अरे मर्दिकड़ी क्या छे हमारा ते सभी आज चक्करम करे चल भाई साहब क्या बात करना चल आप। अरे यार रजिस्टर क्या दिखने आए हमको तो तुम स्वर्ग सीट पक्की कर दिया भाई। और जय मां 36 प्रकार का व्यंजन बने हो खट्टी हो मीठी हो पर खबरदार कड़ी न हो पीड़ में आकर रह गया तो मैकडल आरसी यानी कि रॉयल चैलेंज किंग फिशर अरिस्टोक्रेट और जंजवा कर खबरदार एक बार भाई साहब नंबर वन नील है क्या मूड खराब है। और हाँ उर्वशी मेनका रंभा क्यों तीनों तले और हाँ ललता पवार ना लैन अमोश। तुम दो ये ना भगवान सिंह दगड़ी कत का बार धोखा करी और आज तक कुल मिला के 8,500 रुपए ठगे वे मन। अरे ये तू एक कर्मी था। अच्छा वे खुड़े कैन बोली कि तुम मेरे पर विश्वास कर है? वो तो भाई साहब घन्ना की दिमागी को कमाल जियो। अरे एक बात भाई साहब मन पड़ आज तक मीन सुनी चाहिए पर आज देख भी आल कि परलोक में एक एक पैसा को हिसाब किताब हूं कन बता फिट 8,500 रुपया न एक पैसा ऊंद और न एक पैसा उब। भगवान सिंह ते ठगने का कारण तुम दुया खुना 3 साल को सश्रम नरकवास। अरे भैया ठग तो यू हूं तो नर्क मिथा किला है भाई। अरे दार तो तुम दीवली प्या छाई। तुम दुया न साल भर पहली कलम सिंह को बप्पा चिराया छाई। अरे साहब चोरी थी उल्लू का पठंच मिंत सिर्फ कचे खामोश। अबे खाते तुम दियो मुले चो। निर्दोष बुक्तिया की जान का बदला मा तुम दुयो खुण 5 साल को नरकवास। इसका बड़ी सजा। अरे अरे महाराज अर्जुन मेरी का जान मिथे रोज झाड़ून मर दी कम से कम हुई थे भी सजा दिया हुआ। खामोश। अबे झाड़ू तो मेर का जान भी मर दे। महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आए मैं बहुत पिक्चर देखी और वो पिक्चर में जो यमराज को रोल करने वाले हूं वो संस्कृत और हिंदी में बात कर दो पर है मैं पहले यमराज देखना छो जो गड़गड़ में बात करना छो ये बात नहीं है मेरे समझ में। अबे वो यानी कि मैं गड़वली यमराज छो को गढ़वाल मारा तीरी या पौड़ी चमोली। अरे खामोश ये क्षेत्रवाद की बात तुम जना मूर्ख लोग कर दी। सरा गढ़वाल थे एक मनुष्य और गढ़वाल क्या मिसरा उत्तराखंड थे एक मनुष्य। चित्रगुप्त समझाओ यूं दी मूर्खों थे। जी महाराज। अरे मूर्ख हमारे यम लोक मा हर भाषा को अलग अलग डिपार्टमेंट च जब कोई मद्रासी मर्दू तो तमिल डिपार्टमेंट बटी यमराज भेजी जांद और जब कोई गढ़वाली कुमाऊनी मर्दू तो गढ़वाली कुमाऊनी डिपार्टमेंट बटीक यमराज भेजी जांद समझे। कमाल चुप है यम लोक मार की व्यवस्था है बताओ यार है यम लोक मा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को डिपार्टमेंट च और हमारे ये उत्तराखंड मा जगह है ये भाषा च उख कोई डिपार्टमेंट नहीं च बड़ी शर्म की बात तेरे की। अरे तुम्हारी और तुम्हारी सरकार की प्रॉब्लम जो पर महाराज हमारी सरकार की नेता भाषा मान दी नहीं और कई लोग तो इन भी बोल दन कि कुमाऊनी और गढ़वाली बल भाषा नहीं बोली च। अरे अच्छी याद दिले। महाराज आप तो विद्वान आदमी छा आप तो जन्म और मृत्यु का रहस्य थे जानना चाह लेकिन आज एक रहस्य से पर्दा उठे दिया कि गढ़वाली बोली च कि भाषा 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 तो महाराज लोग तब बोली किला बोलता न। अरे मूर्ख छी अज्ञानी छी गढ़वाल भाषा संसार की कई भाषाओं की तरह समृद्ध च सामर्थ्यवान च यख तक कि संसार की कई भाषा ये से कम समृद्धशाली छी। लगभग 8वीं शताब्दी में गढ़वाल भाषा अस्तित्व में आया और 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यह भाषा गढ़वाल राज्य की राजभाषा के रूप में रहा। पवार वंश का 34वां राजा राजा जगतपाल ने अपने राज्य में ही भाषा थे राजभाषा के रूप में स्थापित कर और संवत 1512 और सन
1455 मा वेन देवप्रयाग मा गढ़वली भाषा मा एक ताम्रपत्र स्थापित कर जो आज भी मौजूद छ। और एक बात गढ़वली भाषा मा असंख्य शिलालेख दान पत्र ताम्रपत्र भित्ति चित्र और अनेक प्रकार की मुद्राएं मौजूद छी। कुछ लोग बोल दिन कि यह भाषा हो ही नहीं सकता क्योंकि यू को कोई प्रमाण नहीं छ। और कुछ लोग से इन तक बोल दी कि यह भाषा हो ही नहीं सकत क्योंकि इनकी कोई लिपि नहीं छ। अरे जब यूरोप की ये बड़ी बड़ी भाषा फ्रेंच जर्मन इटालियन रशियन पुर्तगीज या फिर डच अरे यू में की एक भी अपनी लिपि नहीं छ बल्कि सब एक ही लिपि छ। और वाच रोमन अरे जब इतका भाषाओं की एक लिपि हो सकत रोमन तो हमर गढ़वल भाषा की लिपि देवनागरी क्यों नहीं हो सकत। ये प्रमाण छ कि गढ़वल बोली ना भाषा छ। महाराज काश आपकी ये स्पीच है इखा का अधिकारी और नेता सुन लेना ना तो गढ़वाली भाषा थे आठवीं अनुसूची में डाल दिंदा। अरे पर क्या कन हम गरीब होता कहन पूछना है ना हमारे भाषा की ये हालत हुई है चा कि भाषा में काम करवा हम हाँ? भी हास्य कलाकारों जानो पिछले भी तुम पढ़े आ हाँ? अगर हम अपनी बोली भाषा में काम करना चाह और आप हम दो का जान के पिछले पूरे अच्छा तो हमसे पहले नरेंद्र सिंह ने की वे चली जा। अरे मूर्ख मानव अरे मी गढ़वाली यमराज छो औरों की तरह मी भी नरेंद्र सिंह नेगी जी को फैन छो। अगर मैं उनका प्राण हैरी के ले जोलू तो अच्छा अच्छा गढ़वल गीत कख सुनू। मेरी तरफ से तो नरेंद्र सिंह नेगी सैकड़ों साल जिए। अरे महाराज हम अरे तुम तो पापी छो पापी तुम तेता मुन नहीं पढ़ लो। अरे भाजी अब क्या होल आ तो बो भी घर नहीं महाराज कोई उपाय बताओ महाराज। अरे तुम दुयों लापुर पूर्व जीवन मा अगर एक भी नेक कार्य करूं तो मैं ते बताओ मैं तुम दुयों थे प्राण दान दे दियूल। महाराज हमने अपना पूरा जीवन मा गढ़वाली भाषा मा लोगो थे है सच है और हमने अपनी बोली भाषा को प्रचार और प्रसार के ये उत्तराखंड मा तो बोला महाराज हमने कोई धर्म को काम नहीं करी क्या। तुम यमराज चित्त प्रसन्न कह रहे चित्रगुप्त यूं ते प्राण दान दिए जा। दे दिया महाराज दे दिया वन भी गढ़वाली भाषा जो चे मन नीचे अगर एक बार भाषा मुर्गी ना तो समझा हम लोग मां गढ़वाली डिपार्टमेंट बंद और डिपार्टमेंट बंद क्या हुई कि मेरी और आपकी छुट्टी। और तुम समझना लग गया ना कि बेरोजगारी कद का हुई आजकल या के वजह से भाषा तो जीवित रखना खुने यू दुयों को बचना जरूरी च। चलो ठीक च अब तुम निर्भय होकर जियो तो चलो चित्रगुप्त। अरे कहा अरे वो मंत्री और अधिकारियों का प्राण लीड़ खड़े जो अमर भाषा का घोर विरोधी छी। अरे चला भगिन बाबा अभी तो गायब भगिन भाई ठीक भाई यार गायब भगिन ठीक पर एक बात हाँ। मीठे बधाई देती हाँ। क्या के अबे मैं बच गयो ना तो मिता कौन सा दगड़ में ली गई मैं भी तो छो बोला। हाँ भाई आज अपनी ही भाषा का कारण मैं या हम दी आदि मन से बच गया। बिल्कुल ठीक बात तो बोला आज हम कसम खाना कि अपनी ई गढ़वाली भाषा थे मन नहीं जोड़ा। बिल्कुल ठीक भाजी हा? तो भाजी मिला हाथ हाँ मिला हाथ जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड।